इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्री की नवाज शरीफ की मुशावरत से, तो फिर वो इस 29 नवंबर की आर्मी चीफ के, नए आर्मी चीफ की तकर्री, तैनाती, एक्सटेंशन, जो भी ऑप्शन होता है, इसको लीगली चैलेंज करेंगे। सर, क्या इस किस्म का प्रेसिडेंट मौजूद है, होना चाहिए? लीगली चैलेंज हो सकता है, लीगली चैलेंज खासतौर पे 2019 के प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। चलो गुलाम मुस्तफा साहब, योर टेक ऑन दिस, और अगर ऐसा होता है या इमरान खान का ये बयानिया भी कि मैं लीगली चैलेंज करूंगा इस अपॉइंटमेंट को, सर ये इदारे में किस तरह से लिया जा रहा होगा, किस तरह से लिया जा सकता है? चीफ आर्मी स्टाफ एक शख्स नहीं है, वो एक जात में एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है चीफ आर्मी स्टाफ की, और उसके ऊपर पूरी फौज का इत्माद होना इंतहाई लाजमी है। किसी भी लीडरशिप लेवल पे फौज में इस इत्माद में जरा सा भी अगर ठेस आती है तो फिर जो फौज की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है। नंबर टू, हमने गुज़श्ता, मैं देख रहा हूं जब से ये पीडीएम बनी है बदकिस्मती से, उस वक्त से हमने देखा कि कभी एक तरफ से शुरू हुआ, फिर दूसरी तरफ से उसको पकड़ लिया गया, और आज सूरत हाल ये है कि जो भी ऑफिसर्स इस लाइन में है जो कंसिडर हो सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आई नो पर्सनली आर एक्सट्रीमली वंडरफुल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, इनमें से कोई भी चीफ आर्मी स्टाफ बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो हमने कंट्रोवर्सी अटैच कर दी है, कभी हम लीगली चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कि पीस पार्टी एक शख्स को बनाना चाहती है, नून लीग दूसरे शख्स बनाना चाहती है, खान साहब कुछ और सोच है, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है आप देखिए। आपने इस वक्त उसको जो भी शख्स बनाएगा चीफ आर्मी स्टाफ, वो जब ऑफिस में बैठेंगे तो दो उनके ऊपर बहुत बड़े प्रेशर होंगे। नंबर एक, जिस तरीके से गुज़श्ता कुछ चर्से से अफवाज पाकिस्तान को, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया गया है, और ये दोनों तरफ से है, इसमें एक तरफ कोई वो नहीं कि खास एक समिति की है, एक ने आगे बढ़ाया, दूसरे उसको लेके तो सक्सेसफुली उसको यहां तक लेके आ गए, एक तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। नंबर टू, ये जो कॉन्ट्रोवर्सी के साथ अटैच की जा रही है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक पांव की एक जंजीर बन के रह जाएगा। ये अफवाज के लिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है।